देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एक गांव में रहने वाले 60 साल के जगदीश की अपने इलाके में वाहवाही हो रही है। उन्होंने एक 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई। दरअसल उन्होंने एक भूखे तेंदुए से उनकी जान बचाई। जगदीश ने न केवल तेंदुए से खुद को और बुजुर्ग को बचाया बल्कि उसे घर के अंदर कैद करने में भी कामयाब रहे। इसके बाद वन अधिकारी तेंदुए को पकड़ कर ले गए। ये घटना कुछ समय पहले की है। देर रात बेंगलुरु के सुदूर स्थित रामनगर इलाके में बेलीकोटनूर गाँव में तेंदुआ आ गया। जगदीश पेशे से किसान है और अपने घर से लगे हुए एक शेड में रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं। उन्होंने अपने साथ 75 साल के थमैया को भी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया है। शुक्रवार रात थमैया शेड की कुंडी लगाए बिना सोने चले गए। इसी समय नजदीक से जंगल से भटक कर एक तेंदुआ शेड के अंदर घुस गया और थमैया पर हमला बोल दिया। थमैया ने जब तेंदुआ देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर जगदीश टॉर्च और छड़ी लेकर शेड की ओर भागकर बाहर आए। उन्हें लगा कि सांप या भालू शेड के अंदर घुस गया है, लेकिन जब उन्होंने तेंदुए को देखा तो उनके होश उड़ गए। उस समय उनकी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने तेंदुए को देखा उनके हाथ पैर फूल गए। वो उनकी तरफ भी घूर रहा था और वो डर कर कांपने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जंगली जानवर एक प्रहार में ही खत्म कर देता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय घूरने के बाद उसने दहाड़ना शुरू कर दिया और उसे पीछे की ओर ढकेल दिया। इसके बाद उन्होंने शेड से बाहर आकर उसे अंदर बंद कर दिया। इतने में कुछ साथी गाँव वाले अलर्ट हो गए और उन्होंने वन विभाग के लोगों को सूचित कर दिया। घायल थमैया को कनकपुरा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। उनके सिर और बाहों में गंभीर चोटें आई हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।